गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग क्या है, ना अफवाह है ना अधूरा ज्ञान, आइए सीखें विज्ञान। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की और भी जानकारियाँ मिल सकें। आप सब ने इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा। आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते होंगे जिन्होंने अलग अलग ब्रांच में इंजीनियरिंग की है, लेकिन इंजीनियरिंग का है क्या है, इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। अगर उन लोगों से भी ये सवाल पूछा जाए जिन्होंने खुद इंजीनियरिंग की है, तो इसका इंजीनियरिंग क्या है इसका सटीक जवाब सारे लोग नहीं दे पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंजीनियरिंग को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन एंड बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स। अब इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल के ज़रिए भी इसे समझेंगे कि इंजीनियरिंग क्या होती है। सबसे पहले हम आसान भाषा में अगर हम इसे कहना चाहें तो इंजीनियरिंग वो चीज़ है कि अगर जो साइंटिफिक रूल हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, अगर उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, चाहे वो मशीन हो या कोई स्ट्रक्चर हो या अदर कोई चीज़ हो, चाहे रोड हो या बिल्डिंग हो या सुरंग हो या कोई गाड़ी हो या ब्रिज हो या रेलवे ट्रैक हो, अगर हम इन चीज़ों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के ज़रिए अगर बनाते हैं तो इसी को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल से समझने से इसका कुछ एग्जांपल लेकर समझने से पहले हम इंजीनियरिंग के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग का जो इस्तेमाल सबसे पहले हुआ वो सेना के लिए हुआ। इंजीनियरिंग को सबसे पहले सेना के लिए ही इस्तेमाल किया गया। सेना के जो हथियार हैं, जो और उन्हें जो सुविधाएँ दी जाती हैं, उनमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ। और ये धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया, और फिर उसके बाद जो हमारे असैन्य चीज़ें हैं, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, ये अदर चीज़ें जो और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रही है, आज तो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा दायरा हो चुका है। तो ये बाद में आई, पहले सबसे सैन्य सेवा के लिए ही इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ। भारत के एक बहुत ही महान इंजीनियर जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे काम किए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। यानी मैं बात कर रहा हूँ सर भारत रत्न विश्वेश्वरैया की। इनके काम को देखते हुए 15 सितंबर जिस दिन इनका जन्म हुआ था, उसी दिन ही हिंदुस्तान के अंदर इंजीनियर्स डे मनाया जाने लगा। ये इंजीनियर्स डे अलग अलग कंट्री में अलग अलग तारीख में मनाया जाता है। ये इंग्लैंड में अलग दिन मनाया जाएगा, अमेरिका में किसी और दिन किसी और तारीख में मनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किसी और तारीख में मनाया जाएगा। ये अलग अलग डेट में ही अदर कंट्री में मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे आई, इसका रीज़न क्या है और क्यों इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी ब्रिज को बनाना है। इस ब्रिज यानी पुल को बनाने के लिए हम सीमेंट, मोरंग और जिन भी चीज़ों, गिट्टी वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, इन्हें किस रेशियो में मिलाना है, यानी कि
पुल यानी ब्रिज को बनाने के लिए जो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं गिट्टी और सीमेंट वगैरह, ये किस रेशियो में मिलाएं कि इस पर से जो गुजरने वाली गाड़ियां हो, जो गाड़ियां इस पर चलें, वो इस पुल को बगैर कुछ नुकसान पहुंचाए और जिससे पुल में भी कोई दुर्घटना ना हो, आसानी से गुजरती रहें। इन चीज़ों को का डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल था, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि सीमेंट और गिट्टी और जो अदर मटेरियल इसमें यूज़ हो रहे हैं, सरिया वगैरह, उन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो हमारा पुल बने वो कम लागत में बने और इस पुल पर चलने वाली गाड़ियों के द्वारा जो गाड़ियां इस पर चलें उनका वज़न ये बहुत आसानी से झेल सके और पुल में कोई ख़राबी ना आए जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। अगर हमने पुल को बनाने में मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, अगर कम का इस्तेमाल किया तो पुल गिरने का खतरा रहेगा। अच्छा, हमने मान लिया कि हम एक जगह पुल बनाए और वो सक्सेस हो गया, तो अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि वैसा ही पुल दूसरी जगह बनाए, क्योंकि जो पुल के पिलर होते हैं जितनी दूरी पर जो हमने पहला पुल बनाया, जितनी दूरी पर वो पिलर लगे हैं, अगर हम दूसरी जगह पुल बनाएं तो उतनी ही दूरी पर पिलर को लगाने के लिए हमें जगह मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये जो पुल बनाए जाते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बनाए जाते हैं, तो कहीं कहीं पर ये सिंगल रेलवे ट्रैक होता है, कहीं कहीं पर डबल रेलवे ट्रैक होता है, और कहीं कहीं पर स्टेशन के पास में अगर ये है तो वहाँ पे कई कई रेलवे ट्रैक होते हैं, तो हमें पुल के नीचे जो पिलर बनाने हैं उन पिलर के लिए एक जैसी जगह मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये नदी के ऊपर भी पुल बन सकता है और दूसरी जगहों पे भी बन सकता है। तो इन्हीं के लिए हमें ज़रूरत पड़ी वैज्ञानिक सिद्धांतों की, क्योंकि वैज्ञानिक जो वर्क होते हैं वो वर्क ऐसे नहीं हो जाते हैं कि मतलब उन्होंने कोई भी रूल कैसे भी दे दिया किसी को, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, उनको देखते हैं कि ये कितने समय तक और कितना वज़न झेल सकता है, ये सारे प्रैक्टिकल इंजीनियर पहले जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो पहले करते हैं प्रैक्टिकल, तो और अलग अलग चीज़ों का उन्हें प्रैक्टिकल करने में अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्हें नियम और सिद्धांत देने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड भी लगता है, यानी किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से उससे देख नहीं लेंगे कि हाँ जो हम ये नियम या रूल जो दे रहे हैं इसका इस्तेमाल होता है तो कभी भी कोई दुर्घटना हो, ये चीज़ें बिल्कुल श्योर कर ली जाती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल पुख्ता तरीके पे प्रैक्टिकल करके देख ली जाती हैं कि कहीं आगे चलकर तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसीलिए इन चीज़ों को चेक करने में उन्हें टाइम भी लगता है। जब ये सारे उनकी जो टेस्टिंग वगैरह होती है जब पूरी हो जाती है, तो उस टेस्टिंग और जो उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया है और जो उन्होंने वहाँ पे जो कुछ देखा और समझा, उस हिसाब से वो एक रूल बनाते हैं, एक सिद्धांत देते हैं कि आपको जो पुल बनाना है वो कितने वजन की गाड़ियाँ उससे गुजरेंगी, तो कितना आपको मटेरियल लगाना है, कितनी दूरी पर पिलर रख रहे हो तो कितना मटेरियल आपको लगाना है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि अगर इसको ये दूरी बढ़ती जाएगी तो मटेरियल किस रेशियो में बढ़ता जाएगा, दूरी घटती जाएगी पिलर की जो उसके नीचे हैं तो मटेरियल किस रेशियो में कम होता चला जाएगा, ये सारी चीज़ें वो सिद्धांत एक दे देते हैं, इन सारी चीज़ों का एक सिद्धांत दे देते हैं, ताकि अब कहीं भी पुल बनने लगे तो कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना रह जाए
कि अगर हम उसको पुल का निर्माण कर रहे हैं तो जगह की या कोई ऐसी दिक्कत है जहाँ पे पिलर नहीं लग सकता या और भी कुछ है, तो वो सारी चीज़ें उनमें रहती हैं। जितना संभव है उतनी सारी चीज़ें वो उसमें जोड़ देते हैं कि हाँ अगर ये कंडीशन आ गई तो आपको ऐसा करना है, ये कंडीशन आ गई तो आपको ऐसा करना है। अब इंजीनियर क्या करता है, इन्हीं रूल को, जो सिद्धांत हैं, इन्हीं सिद्धांतों को वो प्रैक्टिकली जहाँ पे काम हो रहा है वो प्रैक्टिकली उन्हीं सिद्धांतों पर उसका, ये जैसे पुल बन रहा है तो पुल का निर्माण करवाता है ताकि सुरक्षित तरीके से पुल का निर्माण हो सके और आगे भी चलकर कोई दुर्घटना ना हो।